हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा फॉरम को लेकर, जो कि लंबे समय से बंद थे, जिनका कोई भी प्रकार से आवेदन शुरू नहीं थे। तो हाल ही फिलहाल में विभाग द्वारा ये खाद्य सुरक्षा फॉरम शुरू कर दिए गए हैं। NFSC सर्विस हाल ही में लाइव कर दी गई है। पोर्टल पर जाके इसको आप देख भी सकते हैं और इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको वीडियो देखना है, बस वीडियो पूरा देखना। वीडियो में सब कुछ जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे, फॉर्म कैसे भरें और कौन सा फॉर्म आपको काम में लेना है, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र कौन सा और कैसे आपको तैयार करवाना है, इस सब की जानकारी हम वीडियो में बता रहे हैं। और भी कोई भी प्रकार की जानकारी फॉर्म से संबंधित होगी तो उसे हम वीडियो में कवर करेंगे। लंबे समय से वंचित परिवार जो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं थे, या फिर जिनको राशन कार्ड में 4 सदस्यों को माना कि मिल रहा था और 2 सदस्य और नए जुड़े हैं तो उनको नहीं मिल रहा था, ऐसे आवेदन भी विभाग द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। और नया राशन कार्ड हो या फिर पुराना अपडेट करवाना हो या फिर खाद्य सुरक्षा के अंदर नया फॉर्म लगा के NFSC सर्विस आपको शुरू करवानी हो, ऐसे फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। तो आप वीडियो लगातार देखते रहें, वीडियो में सबको जानकारी हम देंगे। आप देख रहे हैं डिजिटल सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो समय पर आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके और आपको जानकारी समय पर मिल सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा फॉर्म इसमें काम आएगा और कौन सा फॉर्म आपको तैयार करके लगवाना है, किन किन से कैसे कैसे तैयार इसे करवाना है। तो आपको संक्षिप्त में जानकारी अभी आपको वीडियो में बता रहे हैं। खाद्य सुरक्षा का जो फॉर्म है वो किस प्रकार से आपको तैयार करवाना है और कौन सा फॉर्म आपको काम में लेना है, तो ये देख रहे हैं आप। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और ये खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र है, दस्तावेज होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगाने हैं, वो सारा चीज़ फॉर्मेट में है और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फिलअप करनी है इसमें। तो और उपखंड आपको यहाँ पर लिख देना है किस उपखंड से आपका ये फॉर्म भरा हुआ आएगा और यहाँ पर अपील करता जो है उसका नाम आ जाएगा, उनका पति या फिर जो भी हो उनका नाम आ जाएगा, जाति और उम्र की सामान्य चीज़ है, इसको आप भर सकते हैं आराम से, फॉर्म को तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा मुखिया पे पूरे परिवार का विवरण इसमें तो लिखा हुआ है, मुखिया पे पूरे परिवार के विवरण में आपको जनाधार के द्वारा ही इसमें सारी डिटेल्स आएंगी। इसमें माता का नाम आ जाएगा, इसमें पति या पिता का नाम या मुखिया से संबंध क्या है, लिंग और उम्र, राशन कार्ड संख्या इसमें दर्ज हो जाएगी सभी की, यूनिक आईडी, आधार कार्ड नंबर जरूरी है सभी के। आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जनाधार कार्ड के अंदर सभी के नाम ऐड होना जरूरी है, ऐड होने के अलावा सभी के आधार कार्ड उसमें जुड़ा हुआ होना जरूरी है। इसी बेस पर ही यह खाद्य सुरक्षा आवेदन अपील ली जाएगी और इसी के आधार पर ही आपको आवेदन स्वीकार करके इस पर यह योजना NFSC वाली योजना दी जाएगी। आगे इसमें जनाधार नंबर कार्ड नंबर लगने हैं सभी के, तो ये जनाधार बेस पर ही सिस्टम रहेगा, आधार का राशन कार्ड का सिस्टम इस पर काम नहीं कर रहा है इस समय। और ये जनाधार कार्ड जिनका बना हुआ है उसमें सभी परिवार के जितने भी आप लाभ लेना चाह रहे हैं उनके सभी के आधार कार्ड सहित उसमें नाम होना जरूरी है जनाधार के अंदर, उसी के द्वारा इस फॉर्म को भरा जा रहा है। और आगे हम चलते हैं कौन कौन सी इसमें प्राथमिकता या श्रेणी ली गई है। तो श्रेणियों की बात करें तो अंत्योदय परिवार के जो राशन कार्डधारी है, BPL परिवार के राशन कार्डधारी है, स्टेट BPL परिवार के हैं और अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी भी हैं। आप इस फॉर्म को हमारे व्हाट्सएप के लिंक के द्वारा हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा और वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो के लिंक में आपको फॉर्म भी मिल जाए, तो फॉर्म लेके आप पूरा पढ़ लेंगे कौन कौन से इसमें बिंदु शामिल किए गए हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भी और कैटेगरी यहाँ पर लगाई गई है, आप पढ़ सकते हैं, फॉर्म लेंगे तो फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी इस पर लगाई गई है, इनको इनके लिए इस योजना का लाभ NFSC वाली योजना के लिए अपील स्वीकार कर ली जाएगी। ऐसे और भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इन पर आपको ध्यान देना है कि ये मतलब लगभग सब कुछ कवर हो चुका है, कुछ परिवारों को छोड़ के ही आपके लिए यहाँ पे सभी प्रकार के मिल जाएगा। कचरा बीनने वाले भी हैं, एकल महिला भी है, श्रम विभाग से पंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्डधारी मतलब श्रमिक जो डायरी बनी हुई है, कि ई श्रम कार्ड से इस पर कोई मतलब नहीं है, ये श्रमिक डायरी की बात हो रही है जो श्रमिक डायरी राजस्थान सरकार द्वारा ये बनाई गई है उनके लिए। घरेलू कामकाज वाली महिलाएँ और इसके अलावा लघु कृषक हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं, मतलब काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। दस्तावेज़ की बात करें तो दस्तावेज़ की सूची यहाँ पे ये दी गई है, आपको बता देते हैं। दस्तावेज़ सूची, राशन कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएंगे सभी के जिनके नाम इसमें जुड़े हुए हैं और जिनके नाम से अपील लगा रहे हैं कि इनको गेहूँ मिलना चाहिए, या जिस राशन कार्ड से अपन अपील ले रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस कार्ड पर योजना चालू करवानी है। जनाधार कार्ड इसके लिए मेन रहेगा, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा ही, और पहचान पत्र भी इसमें लगेगा। अगर PPO या श्रमिक कार्ड या अन्य जो भी दस्तावेज है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा ये अपीलार्थी जो है अपील कर रहा है उसके साइन, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब इसमें दर्ज हो जाएंगे। इसके बाद बात करें तो शपथ पत्र की है, तो ये जो शपथ पत्र है घोषणा स्वय घोषणा होती है, तो वो अपने नाम से स्वय घोषणा भी इसमें कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कुछ। तो स्वय घोषणा करवाने के बाद में यहाँ पे जो अपीलार्थी है वो अपने साइन, दिनांक, स्थान लिख देगा। यह जाँच रिपोर्ट वाला फॉर्म है,
खासकर के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, तो इसी तरह ये भरा हुआ आएगा। भरने के बाद इसे पटवारी, सेक्रेटरी और सरपंच द्वारा ये जाँच रिपोर्ट पर यहाँ पर टिप्पणी कर दी जाएगी कि कौन कौन सी श्रेणी में ये आते हैं, यहाँ पर टिप्पणी हो जाएगी। इसके बाद ये सब इस बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु लिखे हुए हैं, तो ये टिप्पणी करने के बाद में यहाँ पे वो अपनी अपनी साइन कर देंगे। यहाँ पे विकास अधिकारी या फिर अपन के बोल सकते हैं ग्राम सचिव जो होते हैं, ये सरपंच के द्वारा और ये हैं पटवारी के द्वारा, तीन साइन और मोर के साथ यहाँ पे ये लगाने हैं आपको। इसके अलावा ये आय प्रमाण पत्र है, ये भी लगेगा। और इसके अलावा आय प्रमाण पत्र के अलावा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, ये भी पटवारी के द्वारा सीमांत किसान या फिर उसका होने का प्रारूप इसमें बताया जाएगा पटवारी के द्वारा कि इनके लिए भूमि है या कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, सीमांत किसान है, लघु सीमांत किसान है या कौन कौन से किसान है, इसके लिए ये प्रारूप लगेगा, ये ग्राम पंचायत द्वारा लगेगा। तो ये सब दस्तावेज आपको तैयार करवा के आधार कार्ड और जनाधार के द्वारा आपको ई मित्र पर जाके फॉर्म सबमिट करवा देना है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बताया फॉर्म से लेकर और संपूर्ण जानकारी इसमें दी है, फिर भी आपका कोई भी सवाल रह जाता है कमेंट करके आप बता सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए आप वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी सूचनाएं आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।